एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो, ये जो व्लॉग है, आई नो बहुत लंबे पीरियड के बाद आ रहा है, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए होंगे इसको। तो एक्चुअली मैं बताती हूँ इतना डिले क्यों हो गया। बीच में फरवरी और जनवरी में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, देन मेरे एग्ज़ाम्स थे, अब मेरा फ्रैक्चर हो गया था। रिसेंटली मेरा फ्रैक्चर हुआ है, मेरा अभी 4 डेज पहले ही मैंने प्लास्टर कटवाया उसको। तो अभी तो ठीक है, मेरा पेन अभी इतना नहीं है क्योंकि काफ़ी डेज़ हो गया ना, तो ठीक हो गया। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो व्लॉग है इसके लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैंने इसका इतना वेट किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे पे इतने DMs आए इसके लिए कि आपको राजपूत लुक लेना चाहिए। तो हाँ जी, ये राजपूत लुक के ऊपर ही है, मैं राजपूत लुक लेने वाली हूँ, ये व्लॉग उसी के लिए है। तो आप सबको पता है कि मैं राजपूती नहीं हूँ, तो मेरे पे प्रॉपर पोशाक नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा लुक वैसे ही लूँ। मैंने अभी ज्वेलरी ऑर्डर की है, जो कि मेरा पार्सल जस्ट अभी आया था, तो मैंने बस सोचा जल्दी से जाके अपना ब्लॉग स्टार्ट करती है, ट्रांजिशन बनाते हैं, इसलिए मैं टेरेस पर आई हूँ ट्रांजिशन बनाने। तो बस अभी आया था मेरा ऑर्डर, तो बस मैंने सोचा जल्दी से जाते हैं। ज्वेलरी आ गई है और मेरे पे ड्रेस वगैरह, लहंगा वगैरह सब है, तो मैंने सोचा बस अब स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और जल्दी से बनाते हैं और डिले नहीं करते इस लुक को। तो ये मैंने कल मेहंदी लगाई थी, अभी इस पर रह गई है, इस पर देखते हैं अभी हम जल्दी से क्विकली कैसे लगा सकते हैं ना, महावर देखते हैं। अगर हम महावर लगाएं तो अभी देखते हैं क्या लगाते हैं, अभी पूरा भी आपको दिखाऊंगी मैं। अभी तो मैं ट्रांजिशन शूट कर रही हूँ, देन मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी कि मैं कैसे मेकअप वगैरह। तो दीदी है मेकअप करने के लिए मेरी, तो मेरी एल्डर सिस्टर करेंगी और वीडियो वगैरह देखते हैं, पूरा वो शूट वगैरह करेंगे हम। और एक सरप्राइज़ है फॉर माय यूट्यूब फैमिली कि मैं इस बार यूट्यूब फैमिली के लिए एक अपनी डांस वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ, तो यूट्यूब फैमिली को मेरे पे आते हैं कि आप लोग आप यूट्यूब पे नहीं डालते हो इतना, तो मैंने सोचा ओके अब मैं यूट्यूब को भी एक्टिव रखूँगी। तो आज मैं यूट्यूब के लिए भी एक डांस वीडियो शूट करने वाली हूँ और इंस्टाग्राम फैमिली इस पर आके देखेगी यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ वगैरह, आप लोग भी रील्स जाके उस पर देखना। सो, अभी इतना लंबा नहीं करते हैं इसको, स्टार्टिंग को, इंट्रो को, अभी जाते हैं जल्दी से ट्रांजिशन बनाते हैं, उसके बाद नीचे जाके जल्दी से मेकअप स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 2 o'clock हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। सो मैं नीचे आ गई हूँ, ये रहा मेरा लहंगा जो कि मम्मी का है, मेरा नहीं है। और ये वैनिटी हो गई हमारी, मेकअप वैनिटी, ये हमारी सारी एसेसरी रख ली है मैंने सब ऐसे करके। अब बस हम रेडी होने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं रेडी होना, तो लेट्स गो, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। सो, हमारा मेकअप स्टार्ट हो गया है और ये दीदी हाईलाइट करने के लिए सम पार्ट्स, अदरवाइज उसको नीड नहीं है और मम्मा भी अलाउ नहीं करती हैं, बहुत छोटी है ना, दैट्स व्हाई। सो लुक एट द मेकअप, मैं इतनी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ बट हो रहा है जैसे हो रहा है, एट लास्ट बस ये अच्छी लगे, वो ही बिना मेकअप के भी लगती है, यू नो ऑल। सो जस्ट वी आर ट्राइंग टू मेक द ब्लॉग एज द प्रोफेशनल। यार शी नाउ इनको क्लास लग गई है, तो मैम खाने पी लीजिए, इनको करने लगे इससे बोलिएगा। सो मेकअप
हमारा चल रहा है, हो गया है। एक्चुअली आज इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, आई थिंक टेम्परेचर कितना होगा इसका आई डोंट नो, बट जहाँ तक है टेम्परेचर ज़्यादा ही है। और आज ही जब मुझे महंगा पहनना था, आज ही के दिन मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, पता नहीं मैं लहंगा कैसे पहन के वीडियो बनाऊंगी, पूरा मेकअप ख़राब ना हो जाए। बट बस आप लोग के लिए मैं इतनी गर्मी में तैयार हो रही हूँ, सो जस्ट लव द ब्लॉग। टाइम टू अप्लाई सम आई शेडो हियर, सो वी आर यूजिंग द रेड शेडो। अनु हम रेड वाला लगा रहे हैं, राइट? वाओ लुक एट द कलर, सो स्वीट एंड सो ब्यूटीफुल। इट्स ऑलमोस्ट डन। सो इसमें हम कौन सा शेड लगाएं? आई थिंक ये वाला अच्छा है। तो ये हो गया यहाँ पर, और हमारा आई शेडो भी डन है, एवरीथिंग इज डन। बस अभी हमारा क्या रह गया, अभी बस ज्वेलरी रह गई और लहंगा वगैरह पहनूंगी मैं अभी, तो हेयर वगैरह का वो अभी करते हैं। सो वेट एंड वॉच, जैसे मैंने आपको बताया मेरा मेकअप डन हो गया है, बस आपका आईलाइनर रह गया है, हाँ आईलाइनर रह गया है, और उसके बाद बस अब अभी हम वो करने वाले हैं। इट्स 4:00 राइट नाउ, 4 बज चुके हैं और 2 घंटे हो गए हैं मुझे बैठे बैठे, और अभी बाहर इतनी धूप हो रही है ना, आई डोंट नो कैसे शूट होगा, बट या इतनी गर्मी में, बट आप सबके लिए मैं इतना कर सकती हूँ, राइट? सो जस्ट सो अब आईलाइनर की बारी है, तो अब हम लोगों को आईलाइनर लगा रहे हैं। आईलाइनर सबसे फेवरेट पार्ट है अनु का, क्योंकि अनु की आँखें बहुत प्यारी और बड़ी हैं, तो आई मेकअप जितना प्यारा लगता है ना अनु के ऊपर, हम सबको पता है कि कितना सुंदर लगता है, इसलिए हम आँखों पे ज़्यादा थोड़ा सा एम्फसाइज करके मेकअप ऑन करते हैं। सो आईलाइनर होने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेकअप से पहले मैं अनु को लगा देती हूँ काला टीका, जो कि बहुत ज़रूरी है, 8 की तैयारी मेरी है। तो पहले थोड़ी सी कुक कर देते हैं। अब इट्स डन, पूरा हो गया मेकअप, थोड़ा सा इसको टचअप मामा ने दिया है, नया बिंदी भी लगा ली है, और मैंने अपना लहंगा भी पहन लिया है, और अब बारी है ज्वेलरी की, हेयर की और हमारी दुपट्टे की। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ज्वेलरी से, सो लेट्स गो। सो अब बनाएंगे ज्वेलरी, ये है प्योर हैंडमेड ज्वेलरी, ये बचपन में मेरा एक फंक्शन था उस टाइम हमने ये बनाया था, और अभी ये अनु के काम आ रहा है, क्योंकि मैंने भी राजस्थानी सॉन्ग पे डांस किया था एक टाइम पे, तब की पूरी ज्वेलरी एंड सेटअप है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हम राजपूती नहीं है, तो हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा, बट वैसा मतलब सिमिलर लेने की हमने कोशिश की है। वी रियली रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ कल्चर, दैट्स वाई वी ट्राई टू डू समथिंग सिमिलर टू दैट, लाइक लुक एट द रिंग, ज्वेलरी बहुत प्यारी है, वी ऑर्डर्ड इन ऑनलाइन। एक्चुअली अनु को कोई भी चीज़ फिट नहीं आ पाती, शी इज़ वेरी थिन, इतनी पतली सी है तो इसको सम बिल्कुल फिट नहीं आ पाता कुछ भी। सो अभी ये माथा पट्टी वगैरह तो बाद में लगाएंगे, बस पहले नेकलेस लगा दूँगी मैं अनु को, एंड ईयर रिंग्स भी थोड़ी दिक्कत आने वाली है हमको, क्योंकि लेकिन हम फिर भी सेट कर लेंगे। तो दिस इज अ चोकर, सो ब्यूटीफुल चोकर, यू कैन सी द लाइनिंग इज अ चोकर, सो सो ब्यूटीफुल। सो मिलते हैं हेयर होने के बाद। Thank you.
और ये लुक के साथ दिखाई दे रहा जाता है हमें। सो वी आर जस्ट मेकिंग इट। मूवीज़ वगैरह में देख कर ये लुक और आ लेने में मतलब बिल्कुल रॉयल फील आ रहा है। सो नाइस। दुपट्टा सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो लुक को कंप्लीट करने वाली है। ऐसे नहीं होता ना, इसमें ढक्के होता है पूरा, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तुम दुपट्टा सेट करते हैं, we will back soon। So हम मे भी इस टाइप से ही करने वाले हैं और ये बहुत अच्छा रॉयल सा फील दे रहा है। अभी हमारी चूड़ी मतलब चूड़ी भी रह गई है और अभी नथ भी रह गई है और वो जो नथ है थोड़ी हैवी है तो अभी हम उसका भी जुगाड़ देखेंगे नाक। ये उसकी नथ है, कुछ इस तरीके से आएगी, बट अभी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको अटैच करें, तो अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अटैच करने के बाद मिलते हैं गाइस। सो हियर आई एम, मैं आ गई हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ और बहुत अच्छा सा रॉयल फीलिंग आ रही है, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो अच्छा लग रहा है पूरा होने के बाद, मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा लगेगा। और मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ और ये पता है को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, सो मेरी नोज़ इतना ज़्यादा इतनी हैवी है ना, ये पता नहीं कैसे कैसे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये बहुत हैवी है ना इसलिए पेन होगा। तो इयर रिंग्स वगैरह बहुत अच्छा सा लग रहा है और बस अभी रील्स वगैरह शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे और आपको सब मिल जाएगा यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर। सो अभी मेरे फ़ोटोशूट भी होने वाले हैं, फ़ोटोशूट वगैरह करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। सो अभी आप मेरा पूरा लुक का एंजॉय कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है अनु का फ़ोटोशूट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये कुछ प्यारे प्यारे अनु के फ़ोटोज़ जो आप लोगों को दिखेंगे इंस्टाग्राम पे। रेडी लेकर अपना अनु यहाँ पे अपने पूरे लुक के साथ रेडी है और बना रही है वो अपनी रील्स, ट्रांजिशंस एंड मैनी अदर्स। वैसे बहुत प्यारी लग रही है हमारी अनु। तो अब अनु के पास चलते हैं। अनु आप क्या कहना चाहेंगे अपने लुक को लेके? सो बस मैं आपको ऐसे हर रील के बाद मुझे ये पकड़ना होता है क्योंकि बहुत पेन हो रहा है, द स्ट्रगल बिहाइंड द रील्स एंड वीडियोस। सो बस अभी हम जाने वाले हैं अपने दूसरी, मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया है कि मैं यूट्यूब फैमिली के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, डांस वीडियो, तो मैंने वो पहले ही बनाई है घूमर। तो मैं अपने ही लुक को रिक्रिएट कर रही हूँ, अपनी वीडियो को आप वैसे समझ सकते हैं। तो बस मैं वो जाके डांस करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, पता नहीं आज इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ गया। सो बस मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ इस लुक के साथ, तो बस आपको डेली इसी की वीडियो मिलेगी क्योंकि आई एम सो ऑब्सेस्ड। सो मैंने अपनी रील शूट कर ली है, फ़ोटो शूट हो गया है, मेरा डांस वीडियो भी शूट हो गई है। सो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा ये ब्लॉग, आपको एंड तक अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी ब्लॉग आए और जल्दी जल्दी आपको मैं रील्स से मतलब रील्स डालूँ, इसकी सारी अपलोड करूँ। और मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगा, खासकर ये नथ एंड द होल ज्वेलरी इज़ वेरी प्रिटी और इस लहंगे पर ये बहुत प्यारी लगी। और बस मैं चाहती हूँ आप इसको देखें पूरे ब्लॉग को एंड तक और प्यार दें इस ब्लॉग को, रील्स को और सारी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हियर इज़ माय आईडी। सो बाय।